चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थियरम 6.1। ये एक्सरसाइज 6.1 से लास्ट पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है। इसके बाद सारे कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर होते जाएंगे। ये कंसेप्ट, पहले तो थियरम का स्टेटमेंट क्या है, तो थियरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो वो बोल रहे हैं कि सर, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी ईच अदर, तो हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो हमें जो गिवन है, तो वो गिवन में हमें समझना है बच्चा, ये हमने दो लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पे लिखा ओ पॉइंट ए बी सी एंड डी, तो हमने ये पॉइंट दे दिए। गिवन में क्या है, तो आप बोलोगे सर गिवन में हमें दिया हुआ है टू लाइन, तो यहां पे हम लिखेंगे एडी एंड एसी। आप बोलोगे एसी एंड बीडी, ये दो लाइन है, तो बीडी ये रहा, बीडी आर टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट पॉइंट ओ। तो ये पहले समझ में आया। आप बोलोगे सर आपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक फिगर ड्रॉ की, फिगर में हमें क्या दिया गया, तो हम लिखेंगे एसी एंड बीडी दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे। इतना तो हमें समझ में आ गया। अभी बच्चा आप बोलोगे सर इसके बाद टू प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव करना है, आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और ये एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। क्लियर है, तो हम लिखना शुरू करते हैं। टू प्रूव में लिखेंगे एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए एंड सी ओ डी, सी ओ डी इक्वल होंगे। सेम वे बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल किसके होंगे, ए ओ डी, ये प्रूव करना है। तो अभी हम प्रूव करना स्टार्ट कर, तो बच्चा सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ। आप बोलोगे सर थियरम जब भी हम करेंगे तो हमारा स्टेप प्रोसीजर फिक्स होगा, गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है और प्रूफ हम उसके बाद लिखेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो डेटा गिवन है वो हम लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे रे ओ बी, रे ओ बी स्टैंड ऑन द लाइन ए सी। तो आप बोलोगे सर ये एसी जो है, ऐसे सोचो, ऐसे सोच सकते हो आप, तो आप बोलोगे सर ये एसी है और ये रे ओ बी है। अभी समझ में आया क्या स्ट्राइक हुआ, तो आप बोलोगे सर लीनियर पैर, क्या स्ट्राइक हुआ लीनियर पैर, तो हम लिख सकते हैं यहां पे एंगल बी ओ ए, जहां पे बी ओ ए, बी ओ ए एंड आप बोलोगे दूसरा बी ओ सी, तो हम लिखेंगे प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। आप बोलोगे सर कौन से लॉजिक के हिसाब से, तो आप लिखोगे ब्रैकेट में, ये लिखना बहुत जरूरी है, लीनियर पैर एक्सियम, जो हमने दो एग्जाम डिस्कस की थी उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि लीनियर पैर का टोटल 180 होता है। और ये हमें समझ में आ गया कि जब एक लाइन पे होगा और उस पर एक रे इंटरसेक्ट करेगी तो दोनों एंगल का टोटल 180 होगा। तो बच्चा बोलेगा कि सर इसकी जगह मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, यही पॉइंट को हम ये तरीके से देखते हैं, ये आप ये फॉर्म में रखो और यहां पे हमने ये ड्रॉ किया बी एंड डी ओ एंड सी। तो बच्चा बोलेगा कि सर ओ सी रे है, रे ओ सी स्टैंड ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे है, बी डी। बच्चा ये पैटर्न समझो, सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सर थियरम को एक एक स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हमने ये फिगर को यूज किया, बाद में यही फिगर को थोड़ा कट करके आपको समझ में आए इसलिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, कि बाकी एग्जाम में तो आपको हाथ रख के ही समझ लेना है कि ये एंगल आपको वैसे समझना है। तो बच्चा आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, तो यहां पे हम लिखेंगे बी ओ सी, ये वाला एंगल,
एंगल बी ओ सी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180। आप बोलोगे सर फिर से लॉजिक तो वही अप्लाई करोगे, कैसे? तो लीनियर पैर एक्सियम, तो ये तो आप समझ गए। तो इसको हम दे देते हैं यहां पे 1 और 2। अभी आप बोल सकते हो यहां तक तो सर समझ में हमें आ गया। अभी देखो ये दो एंगल का टोटल और दो एंगल का टोटल इक्वल आ रहा है। तो हमने यूक्लिड्स वाले चैप्टर में क्या दिखा था कि टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब ये दोनों का टोटल भी 180 है, ये दोनों का टोटल भी 180 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। हम तो यहां सिंपली लिखेंगे, लेकिन ये डायलॉग लिखना है तो लिख सकते हो टू थिंग इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। आप बोलोगे जब ये 180 है ये भी 180 है तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2। बच्चा ये जो मैंने डायलॉग बोला टू थिंग इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, ये वाला आप लिखोगे तो इससे आपके पेपर में चार चांद लग जाएंगे, पेपर देखते ही सर मार्क देंगे, क्योंकि आपने हर एक जगह पे लॉजिक अप्लाई किया है। तो आप बोलोगे सर हम लिख सकते हैं यहां पे एंगल बी ओ ए प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखोगे बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी। तो जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर ये दोनों एंगल कट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम बोलेंगे एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू सी ओ डी। तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ हमारे काम का आ गया, बी ओ ए इज इक्वल टू सी ओ डी, हमने प्रूव कर दिया क्या कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। अभी आप बोलोगे सर हम दूसरा भी सेम वे करेंगे, नहीं बच्चा हमें एक ही डायलॉग लिख लेना है, क्या है, सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव करना है, बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ डी। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म, समझो हमने क्या यूज किया। तो बच्चा आप बोलोगे सर आपने लीनियर पैर का कंसेप्ट यूज किया, इसके बाद दूसरी बार भी आपने वही लॉजिक अप्लाई किया, इसको 1 दे दिया इसको 2 दे दिया, दोनों को इक्वल किया तो कट हो जाएंगे, तो बी ओ ए इज इक्वल टू सी ओ डी प्रूव हो जाएगा। इसके साथ हमारा सम खत्म। बच्चा मैं आपको बोलूंगा, सम तो नहीं बोलेंगे लेकिन आप बोलोगे थियरम। यहां पे प्रेजेंटेशन में एक लाइन मैंने नहीं लिखी, टू थिंग इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। बच्चा मैं बोलूंगा ये आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ पे जो भी आप लॉजिक अप्लाई करोगे उसके मार्क होते हैं। कई बच्चों को आदत होती है कुछ भी नहीं लिखते तो मार्क भी कुछ भी नहीं मिलेंगे, वो ध्यान में रखना है। ये थियरम के कंसेप्ट पे था, तो हमने पहले गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा और बाद में प्रूफ लिखा। ये आप प्रॉपर तरीके से करते हो बच्चा तो आपको आराम से मार्क मिल जाएंगे। लॉजिक समझना, ये ज्योमेट्री है, नहीं समझोगे तो मैजिक कंफर्म लगेगा। दो बार, एक बार थियरम आप भी लिखो खुद, ये मेरे साथ लिखो, उसके बाद दो बार आप लिखो तो आपको 110% समझ में आ जाएगा। मिलते हैं बच्चा नए लेक्चर में नए एक सम के साथ। मुझे एक 2-3 पॉइंट इसमें दिखाने हैं छोटे छोटे, वो हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ सकते हैं।